बड़ी खबर का जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भारी बारिश के दौरान कानोता बांध में हादसा हो गया। कानोता बांध में घूमने गए 5 लोग डूब गए हैं। सभी 5 लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। डूबे 5ों की तलाश जारी कर दी गई है। गोताखोर 5ों शख्स की तलाश में जुट चुके हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आशंका यही है कि 5ों की मौत हो चुकी है, क्योंकि पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है और ये 5ों शख्स काफी देर से लापता बताए जा रहे हैं। कानोता बांध पर यह भयंकर हादसा हुआ है, जहां पर तेज बारिश का दौर लगातार जारी है और भारी बारिश के बीच ये सभी वहां पर घूमने गए थे। सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हीरालाल, क्या अपडेट वहां से? हीरालाल, कुछ पता चल सका 5ों लोगों का? जी देखिए, कानोता डैम में जब 4 लोगों के डूबने की सूचना प्रशासन को मिली तो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू किया, लेकिन सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया गया था और सिविल डिफेंस की टीम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू शुरू कर दिया है। लेकिन जो कानोता डैम है, इसमें पानी का बहाव बहुत तेज है, पूरा लबालब पानी से ये बांध भरा हुआ है, इसलिए रेस्क्यू करने में काफी परेशानी आ रही है। हालांकि लेकिन प्रशासन की जो टीम है, रेस्क्यू टीम है, वो लगातार उन 4ों युवकों को ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक उन 4ों युवकों का कोई पता नहीं चला है। बताया जा रहा है कि ये 5 लोगों का ग्रुप था जो यहाँ घूमने आए थे। नहाने के दौरान ये 4 युवक अचानक पानी में तेज बहाव की वजह से बह गए, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। ठीक है, बिल्कुल, और जरूरी है कि लोग भी समझे कि तेज बारिश में घूमने फिरने ना निकले, ये सेफ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों। और दूदू से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फागी नदी में 2 बच्चे डूब गए। नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने घटना पर दुख जाहिर किया है। तो बार बार आपसे अपील की जा रही है, बारिश में घर से बाहर ना निकले। तो प्रदेश के कई इलाकों में ये बारिश आफत बनकर टूट रही है। भरतपुर और करौली में भारी बारिश से 9 लोगों की मौत हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश का कहर, ढह गया मकान। बयाना में एक साथ बहे 7 बच्चे। मकान की छत गिरी, पिता पुत्र की मौत। प्रदेश में भारी बरसात के बीच भरतपुर में कई घरों के दीपक बुझ गए। पोखर की मिट्टी की पाल टूट जाने से 8 बच्चे पानी के साथ बह गए। उनमें से 7 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 1 बच्चे को बचा लिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल ये हादसा बयाना इलाके के फरसों गांव में हुआ। वहां भारी बरसात के चलते पोखर के चारों तरफ बनी मिट्टी की एक पाल पानी के प्रेशर से टूट गई। ये पोखर बाणगंगा नदी के किनारे पर है। उस समय कुछ बच्चे वहां खड़े थे, पोखर की पाल ढहते ही उसमें से बेशुमार पानी निकला। इस पर वहां खड़े बच्चों में से 8 पानी में बह गए। ग्रामीणों को जैसे ही इसका पता चला, वो वहां पर पहुंचे, लेकिन जब तक ग्रामीण और रेस्क्यू टीमें बच्चों को ढूंढ पाती, तब तक 7 बच्चे पानी में डूबकर मौत की आगोश में समा चुके थे। बच्चों की मौत की खबर फैलते ही उनके परिजनों में कोहराम मच गया। पूरे गांव में मातम पसर गया। ग्रामीण उनको ढांढस बंधाने में लगे हैं। जिले में बरसात का आलम यह है कि नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, कई गांवों का आपस में संपर्क कट चुका है। वहीं हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। वहीं करौली में भी मूसलाधार बरसात से मकान दुकान ढह गए। मकान की छत और दीवार गिरने से पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए करौली अस्पताल लाया गया है। नहीं, नहीं। पूरा मिट्टी का था, वो पूरा लहस गया,
आगे वो पटिया पूरी चीरी सब दब गई हमारी नीचे चीरी बाहे चीरी 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 टूट गई थी। फिर हमने पब्लिक लोग वाले ने हमारे मोहल्ले वाले ने सब निकाला था, बघारा गिरा था ऊपर से और नीचे। अब वो मकान में सो रहे थे, भाई सो रहा था, भतीजे सो रहे थे, बच्चा सो रहा था और इसके बाद में भाभी भारती चाय बना रही थी तो वो मैं लेटरिंग करने गया था तो एकदम आवाज़ आई थी। आवाज़ आने के बाद में नीचे के वो पगारे के वो मकान पूरा गिर पड़ा। हादसा नदी दरवाजा क्षेत्र स्थित फराजपाड़ा में सुबह करीब 5:30 बजे पुराने मकान में बनी दीवार सहित दूसरे मकान पर गिर गई, जिससे छत की पट्टियां टूट गई और वहां सो रहे लोग दब गए। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला, जिन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने पिता पुत्र को मृत घोषित कर दिया। हमारे यहां ये कह के आए कि डोलीखार साइड में एक मकान गिर गया है, कोलैप्स हो गया है, उसके अंदर कई आदमी दबने से मौतें हुई हैं। हमारे यहाँ जो सर्वप्रथम आए, दो डेड बॉडी आई थी, जिनमें एक है जिया खान, उम्र लगभग 12 साल, पिताजी का नाम जाकिर खान है, वो डेड करके आए। दूसरा है जाकिर खान सन ऑफ छोटे खान, उम्र लगभग 40 साल, वो भी डेड बॉडी के रूप में मृत बॉडी हमारे यहाँ आई है। और दो लोग माइनर इंजरी करके आए हैं, राशिद उम्र लगभग 20 साल, इनको एडमिट किया है, बस कोई खतरे की बात नहीं है, ये बिल्कुल माइनर इंजरी है, छोटी मोटी छिल्ला छिली। बरसात के कारण इस प्रकार बड़ी हटरिया क्षेत्र स्थित भट्टन की गली में एक दीवार गली के दूसरी ओर स्थित निजी स्कूल पर जा गिरी, जिससे रास्ता बाधित हो गया। स्कूल में छुट्टी होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। इसी प्रकार चिकना फर्श क्षेत्र में अनुपयोगी पड़ी नंबर 6 स्कूल का भवन क्षतिग्रस्त हो गया। चौबे पड़े के नीचे एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ। मलबे में 2-3 बाइक दब गई। दरअसल बीते कई दिनों से जिले में भारी बरसात का कहर जारी है। गली मोहल्ले और कॉलोनी में जल भराव हो गया। इस दौरान करीब 3 दर्जन लोगों को सिविल डिफेंस, SDRF और स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया, साथ ही लोगों से अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश का अब दुष्प्रभाव दिखने लगा है। कई स्थानों पर मकान गिरे हैं, तो इसी प्रकार की घटना नदी दरवाजा क्षेत्र स्थित फराजपाड़े में देखने को आई है, जहां मकान में सोते लोग दब गए। इस दौरान पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए। News 18 के लिए भरतपुर से दीपक पुरी और करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और अब एक नजर 5 मिनट में 50 जिलों की सभी बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर के गत्सिंहपुर में कार और बाइक